Possibly. बेकरार करके हमें यूं न जाइए। आपको हमारी कसम लौट आई। आपको पता है नर्मदा जी, ये वो मूवी का पोस्टर है जो 28 सितंबर को रिलीज होने वाली थी मगर हो नहीं सकती क्योंकि अभी दोस्तों। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं दूसरी ब्लॉग में आपका दोस्त आपका बहुत दिल्ली किसान दिल्ली किसान आपका अपना वसीम भाईजान लेकर आए हैं और इस ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं करोल बाग लिबर्टी सिनेमा में, वहां पर हम आपको आज जवान मूवी देखेंगे, सबके साथ इंजॉय करेंगे। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे घर की तरफ का मॉल है जो करीब 20 साल से बंद पड़ा हुआ है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इसको प्लीज़ बनवा दो ताकि आसपास सिनेमा हॉल खुल जाएगा तो ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं दिल्ली ब्लॉग, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट दिल्ली की जान दिल्ली की शान आपका अपना हुसैन भाईजान। आज लेकर हम जा रहे हैं आपको लिबर्टी सिनेमा करोल बाग में। तो चलिए हम इस ब्लॉग को फटाफट स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं, हम आपको पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी। ये देखिए गाइस, ये हम आ गए हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे। ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, ये देखिए किस तरह का है, बहुत छोटा सा बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं साइन बोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ भी है करोल बाग मेट्रो स्टेशन। तो गाइज, मैं आपको पूरी तरीके से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये करोल बाग का मेट्रो स्टेशन है। और ये आप सामने देख रहे हैं गेट नंबर 2, ये आपको 2 दिख रहा है, आपको यहीं से जाना है। वो ब्लू लाइन से मैं आया हूँ राजू चौक से, और आपको भी यहीं से आना है। देखिए गाइज, ये है नीचे का व्यू, जैसे व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। और ये फ़िलहाल हम खड़े हुए हैं मेट्रो स्टेशन के पास, ये आप देख रहे हैं ट्रेन जा रही है और सामने मेट्रो स्टेशन है, यानी कि मेट्रो का प्लेटफॉर्म। यहाँ से आप जो है आ सकते हैं और यहीं से हमें जाना है। ये जो रोड आप देख रहे हैं सामने, इसी रोड से हम यहाँ से जाएंगे सीधे रिक्शा करके। तो चलिए अब हम चलते हैं देर ना करते हुए। सो गाइस, देखिए इसका कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये एक जो है कैंटीन है, यहाँ पर कैंटीन है, यहाँ पर आपको जो है ये वाले आप देख रहे हैं, ये KFC है और ये KFC वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये एक तरीके का मॉल है मगर यहाँ पर काम, मतलब शॉपिंग के लिए मॉल नहीं है, ये काम होता है ये वाला मॉल पूरा। तो फिलहाल हम चलते हैं, आप देख सकते होंगे कि मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है रावी एसोसिएशन, ये मॉल टाइप का है लेकिन मॉल नहीं है, यहाँ पर जो है काम वगैरह होता है। तो भाई, जब हम यहाँ से निकलते हुए हम चलते हैं सीधे करोल बाग। तो ये देखिए भाई, हमने ये रिक्शा लिया है, बैटरी रिक्शा 50 रुपये में हमको हॉल से लेके जा रहा है। तो अब हम यहाँ चलते हैं। बहुत दिग्गज एरिया, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा रश है और इस वजह से ये करोल बाग कहलाता है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक बहुत ओवर। ये देखिए गाइस, गाड़ी ही गाड़ी एक लाइन से सारी रश है। ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ पर हम कोई गाड़ियों के मेले या सम्मेलन में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये सब पार्किंग एरिया नहीं है बल्कि यहाँ पर जो ऑफिस में लोग। गाइस, जब हम चल रहे हैं, ये हमने बैटरी रिक्शा लिया है करोल बाग मेट्रो स्टेशन से, गेट नंबर 2 से हम बाहर निकले और ये हम बैटरी रिक्शा लेकर अब सीधे जा रहे हैं लिबर्टी सिनेमा की तरफ। आपको अगर जाना है तो आप बस से अपनी किसी गाड़ी से जा सकते हैं, अगर आप बैटरी रिक्शा वगैरह से जाएंगे तो आपको 50 रुपये का पे करना होगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप चाहें तो 20 मिनट के रास्ते में भी जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पहुँच के। यहाँ पर आने के लिए वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं दृष्टि ब्लॉग में आपका दोस्त आपका होस्ट दिल्ली की जान दिल्ली की शान आपका अपना वसीम भाईजान लेकर आए हूँ आज न्यू ब्लॉग में। आज हम आए हुए हैं द वन ओनली लिबर्टी सिनेमा करोल बाग में,
और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ का कैसा इंटरफेस है, कैसा ब्लॉक, कैसा सिस्टम है यहाँ का, क्या टिकट प्राइस है, सारी मूवमेंट आपको कैप्चर करेंगे। पूरा वीडियो, पूरा ब्लॉग आपको फुल देखना है। अगर यहाँ शोर शराबे की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी दबा हुई है, उसके लिए आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पार्टी तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं लिबर्टी सिनेमा करोलबाग में, और चलिए हम आपको फटाफट अंदर दिखाते हैं क्योंकि टाइमिंग बहुत कम हो रही है। हमारा शो ऑन हो चुका है, ऑन एयर आ चुका है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर ब्रेनलेस ब्लॉग में। तो चलिए गाइस फटाफट से एंट्री कर लेते हैं, अंदर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। अंदर का बहुत ही ज़्यादा शानदार व्यू आ रहा है। ये देखिए जवान के कुछ पोस्टर वगैरह लगे हैं, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं कारपेट जो कालीन टाइप का बिछा रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको भले ही फ़ोन के डिस्प्ले में कम दिखाया जाए, लेकिन रियल में आप देखेंगे तो आपको वाकई में मज़ा आ जाएगा आप देख के। ये देखिए कारपेट, और पीछे जो कैंटीन वगैरह देख रहे हैं यहाँ की, वो भी बहुत ईजी है, काफ़ी अच्छी कैंटीन है। वो मूवी का पोस्टर है जो 28 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, मगर हो नहीं सकती क्योंकि अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन हाँ, टाइगर 3 जो है ये आपके दिवाली 2023 में ज़रूर आएगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से शायद प्रेजेंट करेंगे। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब इंटरवल हो गया है मूवी का, और अब मैं आपको पूरा हॉल एक्सप्लोर नहीं कर सकता अंदर से सीटें वगैरह, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। लाइटिंग ऐसी लगा रखी है कि आपको काफ़ी अंधेरा महसूस होगा। अगर आप ये खुद आएंगे तो खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैसा है। जो भी कुछ लाइटिंग है उससे बस मैं आपको दिखा पा रहा हूँ अपने फ़ोन की कैमरे से। ऊपर ही आप बालकनी देख सकते हैं, ये है ये वाला हिस्सा, देखिए ये हिस्सा बालकनी का है। फिलहाल भाई हम ऊपर भी चल के आपको बालकनी दिखाएंगे और क्लियर से कोशिश करेंगे दिखाने की, शायद आपको साफ दिखाई दे। पता नहीं क्यों बाहर तो सही है लेकिन अंदर इतना अंधेरा आ रहा है, जिस वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पा रहा इसमें। और फिर भी यहाँ पर जो है लाइटिंग का कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है कि प्रोग्रेस सही नहीं है। आप भी देख सकते हैं सीटें जो हैं यहाँ की बहुत अच्छी हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, और DC क्लास और 4-5 उसमें जो क्लासें हैं वो ऐसे जुड़ी हुई हैं। तो लिबर्टी सिनेमा जो है ये करोलबाग में है, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। हाँ गाइस, यहाँ पर AC वगैरह जो आप बोल रहे थे, AC बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि मुझे ठंड लग गई थी और मेरे जो दूसरे साथी थे उसको बुखार आ गया था, इतनी बढ़िया ऐसी थी यहाँ की। अब हम आते हैं बाहर, आपको बाहर आके दिखाते हैं। ये देखिए पब्लिक की कितनी भीड़ है, कितनी ज़्यादा पब्लिक का जो है यहाँ पर रश हुआ है। पठान मूवी के चाहने वाले, SRK के फ़ैन बहुत यहाँ पर और बहुत ज़्यादा मात्रा में हाजिर हो चुके हैं। ये देखिए सर, अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर आपको दिखाते हैं बालकनी कैसी है। सो गाइज़ ये देखिए अब हम आ चुके हैं अंदर बालकनी की क्लास में। यहाँ पर मैं फ्रेंड नाइट मूड से शूट कर रहा हूँ, फिर भी जो है मुझे एकदम क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं, मेरा कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, बाहर आप देख सकते हैं कि बाहर का व्यू अच्छा था, लेकिन अंदर जो बालकनी थी वो काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है। आप आएंगे तो देख लेंगे, बाकी सब कुछ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है ये देख सकते हैं यहाँ का बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू आ रहा है, और ये जो है बैठने की सीटें बना रखी है इन लोगों ने, सोफे टाइप के। यहाँ पर आप बैठ कर अपनी पिक्स वगैरह ले सकते हैं, हमने बहुत सारे पिक्स खींची। और अब ये देखिए सामने जो है कैंटीन है, कैंटीन में आप जो है हर तरीके की चीज़ें ले सकते हैं, कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज़ है। उसके साथ आपको रेट लिस्ट भी दिखेगा,
ये देखिए गाइस, आपको रेट लिस्ट भी दिख रहा होगा ऊपर, 100 रुपीज़, 120 एंड पॉपकॉर्न वगैरह लेंगे तो नॉर्मल 70 में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर भी काफ़ी जगह, हम आगे चलते हैं आगे और आपको नीचे की तरफ दिखाते हैं। तो इस ब्लॉग को जो है लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। और अगर आप यहाँ आना चाहें, कोई भी आपको सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें, इसी तरह के आपको कॉन्टेंट मिलते रहेंगे। सो गाइस, आप देख रहे हैं रिसीव ब्लॉग और मैं आ जाया हुआ हूँ लिबर्टी सिनेमा करोलबाग में। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ का, हमने आपको यहाँ का व्यू दिखाया, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आ रहा है और बहुत ज़्यादा खुश है। तो गाइस, हमने यहाँ पर आपको पूरा कवर करने की कोशिश करी है और जो भी कुछ छूटा है वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल और चलिए आगे दिखाते हैं कि और क्या क्या है। तो मूवी हो गई खत्म। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर जो है मूवी ख़त्म हो गई, फिर भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहा है। यहाँ की लाइटें जो हैं वो इसी तरह की हैं, बस इससे ज़्यादा नॉर्मल लाइट हुई है। सो ये देखिए गाइस, ये है वो वाली मशीन जो एक टाइम में हमारे ज़माने में, हमारे बचपन में हुआ करती थी, जो ये रेलवे में लगा करती थी और इसमें हम 1 रुपये 2 रुपये का कॉइन डालकर अपना वजन चेक करते थे। इससे शायद आपको कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। जो पुराने लोग थे, जो आज की यंग पीढ़ी है, उन्हें शायद इस बारे में ज़रूर पता होगा। और जो आज की बिल्कुल नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उन्हें अभी तो फिलहाल कुछ नॉलेज ही नहीं होगी। लेकिन आपको जिसको जिसको पता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये मशीन किसने किसने देखी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से आगे चल के कि और कहाँ है। फिलहाल हम आपको पहले बुकिंग काउंटर भी दिखा देते हैं, क्योंकि हमने तो गाइस टिकट नहीं लिया था, हम ऑनलाइन टिकट लेकर ही आए थे। और ऑफलाइन टिकट जो है वो किस तरह है, कहाँ मिलते हैं, ये मशीन आप देख रहे हैं इसी के जस्ट सामने ही है। चलिए हम आपको ले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ का बॉक्स ऑफिस कैसा है। ये है बॉक्स ऑफिस, यहाँ से आप ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। नाउ वॉचिंग जवान, ये देखिएगा ये कार पार्किंग एरिया है और यहाँ पर आप कार भी पार्क कर सकते हैं। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, इसमें डॉल्बी एटमॉस का साउंड है, आप डॉल्बी एटमॉस जो है। तो गाइस, ये ब्लॉग बस यहीं तक था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और ये हमारा लिबर्टी सिनेमा करोलबाग का डॉल्बी ऑटोमॉस सिनेमा हॉल है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो यहाँ पर मैंने आने के लिए आपको पूरे रास्ते बताएँ। फिलहाल आप जो है करोलबाग बस से भी आ सकते हैं, बस का जो नंबर है वो है 939 और 610 जो आरकेपुरम से आती है। और अगर आप किसी और साइड से हैं तो आप मेट्रो लगा सकते हैं, या ये गफ्फार मार्केट होते हुए आपको हर तरफ से लेके आएगी। तो चलिए अब हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कोई भी सवाल आपका हो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइस, जुले ब्लॉग बस यहीं तक था। वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पर आज की हमारी ये है लिफ्ट, इतनी बड़ी, इतनी बिग, ये है दिल्ली गेट की लिफ्ट। देखिए इसमें कितनी ज्यादा स्पेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। चार स्टेज।